अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम बात करते हैं कोलिनर सेपरेट ब्लॉकर्स की, उसमें हमने टॉक्सिसिटी करनी थी ऑफ द कोलिनर सेपरेट ब्लॉकर्स, जिसमें मेनली हम कर रहे थे जो एंटी मस्करिनिक एजेंट्स होते हैं वो। ठीक है, अच्छा, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात ये होती है कि क्लिनिकल फीचर्स को ही आप जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर दोगे तो वो टॉक्सिसिटी बन जाएगी। सादा तरीन बात है, अगर आपको पता है कि क्लिनिकल फीचर्स क्या है, आपको पता है कि आई पे इफेक्ट क्या है। सपोज मैंने आपको बताया कि आई में क्या करते हैं, मिड्रियसिस करते हैं, साइक्लोप्लीजिया करते हैं, यानी कि पीपल डायलेट कर देगा और स्पैज्म ऑफ एकोमोडेशन हो जाएगा। जब ये चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगी, आप खुद सोचें कि अगर आपका पीपल मुसलसल डायलेट हो जाए तो आप करीब की चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकते, तो आपको ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाएगी। तो टॉक्सिक इफेक्ट में ब्लरिंग ऑफ विजन है। इसी तरह इसका दूसरा इफेक्ट क्या था, जीआईटी की बात करते हैं। तो जीआईटी पे ये कह रहा था कि नॉर्मल पैरासिमथेटिक सिस्टम हमेशा आपकी पेरिस्टालसिस को प्रमोट करता है, लेकिन ये आपकी, क्योंकि पैरासिमथेटिक सिस्टम ब्लॉकर था तो पेरिस्टालसिस को इनहिबिट कर रहा था। तो अगर आपकी पेरिस्टालसिस ज़रूरत से ज़्यादा इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा जीआईटी में? जीआईटी में पहली बात तो ये कि आपका फूड जो है वो स्टेसिस हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एट द पॉइंट ऑफ योर डेफिकेशन, वहाँ पर जब आपका पेरिस्टालसिस नहीं होगी कॉलन में, लार्ज इंटेस्टिन में, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन है, तो क्लिनिकल फीचर्स को खुद ही आप ज़्यादा कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा। कोई इसमें मुश्किल बात है ही नहीं टॉक्सिसिटी में। इसको हम दो में इससे डिवाइड करते हैं, एक वो हम कहते हैं प्रिडिक्टेबल टॉक्सिसिटी और दूसरी अदर टॉक्सिसिटीज़ के नाम से। प्रिडिक्टेबल वो वाली होती हैं जो कि हमें इसके क्लिनिकल फीचर्स से पता है कि ज़्यादा होके मतलब वो बन जाएंगे, जैसे मैं आपको जो बता रही हूँ ये प्रिडिक्टेबल है। अदर टॉक्सिसिटीज़ में कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत डायरेक्टली हमें नहीं समझ लगती कि ये वाई दे आर हैपनिंग, लेकिन वो भी होती हैं जिनका भी हम जिक्र करते हैं। एक इन्होंने एंटोनिम सा बनाया हुआ इससे रिलेटेड, और यही आपको याद हो तो ये सारी टॉक्सिसिटीज़ में आ जाती है। ड्राई एज अ बोन, रेड एज अ बीट, हॉट एज अ पिस्टल एंड मैड एज अ हैटर। कि ये कहते हैं कि जब टॉक्सिसिटी हो जाए किसी भी मस्करिनिक एंटेगोनिस्ट की तो ये चार फीचर्स आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपको पता है कि मैंने कहा था कि सारी की सारी सिक्रीशंस जो हैं वो आपकी इंक्रीज़ होती हैं किसी भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिस्पांस में, यानी कि आपकी जीआईटी की सिक्रीशंस भी इंक्रीज़ हो रही होती हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिस्पांस में, आपका सलाइवा इंक्रीज़ हो रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है जब आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंडर होते हैं। लेकिन हम किसकी बात करें, हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करने की बात करें। जब ब्लॉक करेंगे तो वो सारी सिक्रीशंस हो जाएंगी डिक्रीज़। ठीक है, जब सारी सिक्रीशंस डिक्रीज़ होंगी तो उसमें सबसे पहले आपकी जीआईटी की सिक्रीशंस डिक्रीज़ होंगी, स्टमक की सिक्रीशन डिक्रीज होंगी, एसिड नहीं सिक्रीट होगा, फूड नहीं डाइजेस्ट होगा, सलाइवा की सिक्रीशन डिक्रीज होगी, आपका मुंह में ड्राइनेस आ जाएगी। इसी तरह स्वेटिंग नहीं, पहली तो जब आपकी सलाइवा की ख़त्म होने की वजह से मुंह में ड्राइनेस आ जाएगी, और उसके अलावा आपकी पूरी की पूरी बॉडी में स्वेट नहीं सिक्रीट हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉक कर दी, तो स्वेट नहीं सिक्रीट होगा तो ड्राई हो जाएगी सबसे पहले तो बॉडी। तो पहली चीज़ क्या है, ड्राई एज अ बोन, जितनी हड्डी ड्राई होती है ना देखने में उतनी ड्राइनेस आ जाएगी बॉडी में। फिर अब आपका स्वेट नहीं हो रहा, स्वेटिंग आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेट नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सकता, आपका बॉडी टेम्परेचर राइज करता जाएगा, क्योंकि बॉडी चाह रही है कि पसीना निकलेगा तो टेम्परेचर बॉडी कूल डाउन होगी, लेकिन बॉडी कूल डाउन होने के लिए पसीना ही नहीं निकल रहा बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक के रिसेप्टर्स ही ब्लॉक है। तो जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो पेशेंट को हो जाता है हाइपरथर्मिया। ये हाइपरथर्मिया इतनी सवेयर कॉम्प्लिकेशन है कि ये बंदों की जान ले लेती है अगर सवेयर टॉक्सिसिटी हो जाए। ठीक है, इसको आपने नहीं भूलना, खास तौर पे एमसीक्यू आता होता है कि आपकी मोस्ट सवेयर टॉक्सिसिटीज़ की क्या हो सकती है, तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सीएनएस टॉक्सिसिटीज़ को मोस्ट सवेयर इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनका तो फिर वो मतलब इतनी जल्दी मैनिफेस्ट नहीं करती, ये आपकी एकदम से हो जाती है और सिंपल सी चीज़ बंदे की जान ले लेती है हाइपरथर्मिया। और बच्चों में, इन्फेंट्स में हम हमेशा कोलिनोसेप्टर ब्लॉकर्स इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि बच्चों में हाइपरथर्मिया का भी हमें पता नहीं पाता, क्योंकि बच्चे खुद तो नहीं बता पाते ना कि मुझे गर्मी लग रही है या फिर कोई मसला हो रहा है। तो इन्फेंट्स में हाइपरथर्मिया की वजह से हम ये ड्रग्स नहीं देते। ठीक हो गया, ये बहुत सीवियर इफेक्ट है। तो इसकी वजह से पेशेंट जो है उसकी बॉडी हो जाएगी हॉट एज अ पिस्टल। ठीक है, क्योंकि गर्म हो जाएगी ना, हाइपरथर्मिया हो जाएगा। ड्राई एज अ बोन भी हमने कर लिया, हॉट एज अ पिस्टल भी कर लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगला इफेक्ट आता है, ये तो हमने बात कर ली, इसकी जो प्रेडिक्टेबल टॉक्सिसिटीज है उसकी बात करी। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाएगी, ये भी प्रेडिक्टेबल है सारी की सारी। हार्ट रेट में थोड़ा सा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर रहे हैं तो आपका हार्ट रेट थोड़ा तेज़ हो जाएगा क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है। हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका मॉडरेट सा टैकीकार्डिया वगैरह हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब आपकी जो अदर टॉक्सिसिटीज़ हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें ना, तो इसमें दो आती हैं, एक आपकी सीवीएस की आती हैं, एक आपकी सीएनएस की आती हैं। ठीक है, दो बातें आपने याद रखनी है। रेड एज अ बीट को अगर मैं पहले बात करूँ तो रेड एज अ बीट से मुराद ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये वाली ड्रग्स लेते हैं कोलिनोसेप्टर ब्लॉकर यानी एट्रोपिन वगैरह, तो आपकी पूरी बॉडी में जो स्किन की वेसल्स होती हैं ना वो एकदम से डायलेट करती हैं। ठीक है, एक्सेसिव ओवरडोज में ऐसा होता है।
जो स्किन की वेसल्स हैं जब वो डायलेट करती हैं तो आपकी पूरी बॉडी में ज़ाहिर है ब्लड सारा का सारा स्किन की वेसल्स में जाके पूल होने लग जाता है और उसको हम कहते हैं पेशेंट बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, स्वेटिंग नहीं हो रही और स्किन की वेसल्स डायलेट कर रही है, ताकि स्किन वेसल्स डायलेट इसलिए करती है ना कि किसी तरह से हीट को बॉडी से निकाला जाए, हीट स्वेटिंग से नहीं निकलती तो स्किन की वेसल्स को डायलेट करेंगे तो वहाँ से शायद हीट निकल जाए कुछ ना कुछ, लेकिन नहीं निकल पाती। और उसको हम कहते हैं एट्रोपिन फ्लश, ये भी एमसीक्यू आता होता है, ठीक है। रेडनेस ऑफ द बॉडी जो हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ एट्रोपिन, और क्यों होती है, क्योंकि सारी क्यूटेनियस वेसल्स डायलेट हो रही होती है, उसको कहते हैं एट्रोपिन फ्लश। और उसमें पेशेंट रेड कलर का हो जाता है एज अ बीट, इसको ये कहते हैं, ठीक है। आखिर में जो बात रह जाती है सीवीएस पे, मैंने आपको बता दिया टैकीकार्डिया वगैरह कर सकते हैं और इतना टैकीकार्डिया भी हो सकता है कि एरिथमिया स्टार्ट हो जाए पेशेंट को, ठीक है। सीएनएस पे जो इसकी टॉक्सिसिटी है ना वो है रिलेटेड टू कि आपका जो जितना भी स्लो डाउन का इफेक्ट है, क्योंकि ज़ाहिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तो सुकून वाला इफेक्ट देता है, हम उसको ब्लॉक करेंगे तो पेशेंट जो है वो कन्वर्जेंस की तरफ जाएगा, तो पेशेंट को ये डिलीरियम कर सकता है। डिलीरियम का मतलब है कि उसको समझ में नहीं आती, उसके बाद हेलुसिनेशन, उसे उल्टी सीधी चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, और कन्वर्जेंस तक लेके जा सकते हैं। तो ज़ाहिर है जो बंदे को हेलुसिनेशन और कन्वर्जेंस हो रही हो उसको जनरली मैड ही कंसिडर किया जाता है, उसे पागल लोग कहते हैं जो कन्वर्जेंस जिसको हो रही होती है, मतलब वह सेम है तो जनरल में, जिससे हम कहते हैं मैड एज अ हैटर, ये लफ्ज़ हम इसे इस्तेमाल करते हैं कि उसको सीएनएस के जो टॉक्सिसिटी है उसमें कन्वर्जन हो रही होती है। तो बस इतनी सी इसकी टॉक्सिसिटी है। ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नॉर्मली देते हैं, जो मसला हो रहा होता है उसके हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। सपोज हाइपरथर्मिया है तो हम उसे फौरी तौर पर कूलिंग ब्लैंकेट्स वगैरह देंगे, अगर टैकीकार्डिया है तो हम उसे कोई ऐसी ड्रग देंगे जो कि उसके टैकीकार्डिया को रिलीव कर देगी। और जनरली अगर हमने देखना हो कि इसका एंटीडोट तो मैं फिर भी नहीं कहूँगी, लेकिन किसी हद तक जो हमने दे सकते हैं वो फिजोस्टिक मीन है, विच इज़ योर कोलिनोमायमेटिक ड्रग, ठीक है। फिजोस्टिक मीन दे सकते हैं इसकी टॉक्सिसिटी में। कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने आपको बता दी, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी क्योंकि इन्फेंट्स में हाइपरथर्मिया हो सकता है। उसके अलावा ग्लोकोमा के पेशेंट्स में नहीं देनी, कभी भी नहीं देनी, ठीक है। ग्लोकोमा में क्यों नहीं देनी, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या कर रही है, ये कर रही है मिट्रिएसिस, ये प्यूपिल को डायलेट कर रही है। जो ग्लोकोमा के पेशेंट्स होते हैं ना, एक मिनट, ये लेंस है, यहाँ सिलीडी बॉडी है, ठीक है। अच्छा, जो ग्लोकोमा के पेशेंट्स हैं उनमें क्या होता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर इधर इंक्रीज हुआ हुआ होता है, उनमें पहले जो एंगल है ना आयरिस और कॉर्निया के दरमियान में, ये आयरिस है और यहाँ पर है हमारा कॉर्निया, ठीक है। आगे आयरिस और कॉर्निया के दरमियान में एक एंगल होता है इरेडोकॉर्नियल एंगल, यहाँ पर से ड्रेन होना होता है एक्वस ह्यूमर में। इरेडोकॉर्नियल एंगल ग्लोकोमा के पेशेंट्स में बंद होता है, तो इस वजह से उनका जो यहाँ एक्वस ह्यूमर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। जब प्यूपिल डायलेट होता है ना तो ये एंगल मजीद नैरो हो जाता है। तो अगर हम किसी ऐसे पेशेंट में जिसको ग्लोकोमा है उसमें हम ऐसी ड्रग दे देते हैं तो उसका एंगल, पहले ही उसका इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज होता है, उसके बाद अगर हम डायलेशन ऑफ द प्यूपिल कर देंगे तो एंगल मजीद क्लोज हो जाएगा। क्लोजर ऑफ एंगल की वजह से उसका ग्लोकोमा मजीद एग्रवेट हो जाता है। ये आप जब आई पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आती है कि मैंने आई के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में ग्लोकोमा में पूरी एक्सप्लेन भी की हुई है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम का मैं तो इस वजह से बस इतना याद रख लेना कि नहीं देनी, बिकॉज उनका जो ग्लोकोमा है वो ज़्यादा एग्रवेट कर जाएगा, ठीक है जी। और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में भी कभी नहीं देते, इस वजह से नहीं देते क्योंकि प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लोगों में पहले ही यूरिनरी डिटेंशन होती है, उनका जो मेन होते हैं ना जिनका, आपको पता है कि यहाँ पर आपका यूरिनरी ब्लैडर है और इसके साइड पे प्रोस्टेट होता है, इसे प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जिनको होता है वो, इनका प्रोस्टेट इतना बड़ा हुआ वो होता है कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर को, तो उनको पहले ही पीछे यूरिनरी जो यूरिथ्रा है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे लोगों में पहले ही जो ब्लैडर है उसमें यूरिन की काफ़ी हद तक स्टेसिस होती है और उनका यूरिनरी रिटेंशन का मसला चल रहा होता है, तो अगर हम मजीद उनमें ऐसी ड्रग दे देंगे तो यूरिनरी रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उनको भी हमने नहीं देनी। तो ये आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशन ना क्वेश्चन में आती है, क्योंकि तीन ही तो हैं, इन्फेंट्स है, ग्लोकोमा एंड प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रहेगी हमारा निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, अगले पार्ट में बताती थी, छोटी सी बात है उसकी। फेव एनी क्वेरी अपडेट ना हो, कैन आस्क मी, थैंक यू।